नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, एक अच्छी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल भर्ती 2020 जो कई दिनों से पेंडिंग थी, उसका नोटिफिकेशन फरवरी तक आने की संभावना है। अगर नोटिफिकेशन फरवरी में आता है तो उसके 4 से 5 महीने बाद एग्जामिनेशन हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ सीट्स की बात करते हैं दोस्तों, तो लगभग 11,000 से ज़्यादा सीट्स आएंगी। 2015 में जब आखिरी बार पेपर हुआ था राजस्व लेखपाल का, तो उस साल 8 से 12 हज़ार वैकेंसीज आई थी। इस साल लगभग 11,000 वैकेंसी आ रही है। तो जो लोग वनडे एग्जाम को भी टारगेट करते हैं, पीसीएस की पढ़ाई करते हैं, साथ में वनडे एग्जाम को टारगेट करते हैं, यूपीएसआई को टारगेट करते हैं, उनके लिए बहुत गोल्डन चांस है कि वो इस पेपर को क्रैक कर सकते हैं, उस पेपर को टारगेट कर सकते हैं। अगर बात करते हैं दोस्तों कि एक लेखपाल की ड्यूटीज़ क्या होती हैं, अगर मोटा मोटा मैं बताऊं दोस्तों, वैसे तो लेखपाल बहुत सारे काम करता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर क्षेत्र मिल जाता है, क्षेत्र का मतलब होता है कि 2 से 3, 3-4 गांव होते हैं उनके उसमें, और उसमें हर चीज़ उनको देखनी पड़ती है। जो मेन काम होता है वो होता है जो फसलें आती हैं उसका सर्वे करना, कि कौन सी उनके क्षेत्र में फसल आई, कितना उसमें पैदावार हुई है, उसकी रिपोर्ट देना। कोई लैंड है, किस वो लैंड का मालिक कौन है, ज़मीन का मालिक कौन है, उसके बारे में जानकारी रखना। बाकी जो लगान है वो टैक्स कलेक्ट करना, ठीक है, ये सब होता है। कई तरह के काम होते हैं, विभिन्न काम होते हैं। कुछ ऐसे काम भी होते हैं जैसे कि मान लीजिए कुछ एक्सीडेंट हो जाता है गांव में, कुछ आग लग जाती है, तो उसकी रिपोर्ट भी वो जो जिस क्षेत्र का जो लेखपाल होगा वो अपने तहसीलदार को देगा, उसके बाद वो SDM को जाएगा। तो काफ़ी काम करने पड़ते हैं लेखपाल के, बहुत अलग अलग तरह के काम होते हैं। यहाँ तक कि आजकल जो चल रहा है, कोई योजना अगर आती है, प्रधानमंत्री को योजना निकालते हैं, तो वो भी हर गांव में लेखपाल के माध्यम से जाता है। तो काफ़ी वैरायटी वाला काम है, अलग अलग तरह काम है, बहुत अच्छा काम है। पब्लिक डील का काम है, पब्लिक से इंटरेक्शन ज़्यादा रहता है इसके अंदर, ठीक है। अगर बात करते हैं सैलरी कितनी होती है दोस्तों, सैलरी अगर देखा जाए मोटा मोटा ग्रेड पे जो होता है वो लगभग 2000 का ग्रेड पे होता है, जो फिलहाल लेखपालों को मिला है 2000 ग्रेड पे हो रहा है। इसमें जो सैलरी थी वो 23-24 हज़ार शुरू होती थी, आजकल हो जाता है 24-25 हज़ार सैलरी मिलती है, लगभग अबाउट मिलती है। लेखपालों ने हड़ताल की थी कि जो ग्रेड पे 2000 का था उसको बढ़ा के 2800 का ग्रेड पे किया जाए। अगर 2800 का ग्रेड पे होता तो सैलरी 28-32 हज़ार के आसपास जाती, लेकिन फिलहाल अभी 2000 का ग्रेड पे है। कुछ अलाउंसेस बढ़ाए हैं प्रशासन ने, पर अभी सैलरी नहीं बढ़ाई है। अगर सैलरी पुरानी रहती है तो समझ के चलिए कि वही 25,000 तक के आसपास, मैक्सिमम 25,000 के आसपास आपको तनख्वाह मिलेगी। कुछ अलाउंसेस बढ़ते घटते रहते हैं, इसलिए मैं आपको अबाउट बोला है, मैक्सिमम 25,000 तक बोला हुआ है। हर साल फिर जैसे जैसे आपकी नौकरी पुरानी होती जाती है, आपकी सैलरी में इजाफा होता जाता है, कुछ और अलाउंसेस आ जाते हैं, अलग बात है इसके अंदर, ठीक है। तो 25,000 कोई कम नहीं होता, मैं ये नहीं कहता बहुत ज़्यादा है, लेकिन एटलीस्ट बेरोजगारी से अच्छा है कि आपको 25,000 मिलते हैं, आपको जॉब मिल जाती है और आप काम करते हो, ठीक है। बात करते हैं कि एग्जामिनेशन कैसा होता है। देखिए 2015 में पीसीएस 2015 में जब लेखपाल का पेपर होता है, उस साल टीसीएस ने, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, उन्होंने एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया था। और उस साल पूरा लगभग 12,000 वैकेंसी थी डिस्ट्रिक्ट लेवल की जॉब जो होती है, तो उन्होंने किया था। 100 नंबर का पेपर था और साथ में 20 नंबर का इंटरव्यू भी था, ठीक है। तो इस तरह का कुछ कोर्स की, अगर सिलेबस की बात करता हूँ दोस्तों, तो इसमें 4 मेन सब्जेक्ट्स हैं। पहला है मैथमेटिक्स आपका, जो 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 25 नंबर के, ठीक है। ये 2015 का नोटिफिकेशन के हिसाब से बता रहा हूँ, अगर नया नोटिफिकेशन आता है, कुछ इसमें और चेंजेस होते हैं तो वो बता दिया जाएगा, लेकिन मैं आपको मोर और लेस एक आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैथमेटिक्स आता है 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। हिंदी, जनरल हिंदी आती है, 25 क्वेश्चन पूछे आएंगे, वो भी 25 नंबर के होंगे। जीएस जिसे कहते हैं जनरल नॉलेज, वही उसके 25 क्वेश्चन आते हैं जनरल नॉलेज, ठीक है। और एक चीज़ आती है एक्स्ट्रा आती है, वो विलेज सोसाइटी एंड डेवलपमेंट, यानी ग्राम समाज और विकास, ये इसमें गांव से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं इसके अंदर। तो लगभग 25 इसमें क्वेश्चन और 25 नंबर का सवाल बनता है। तो लगभग 100 सवाल होते हैं जो 90 मिनट्स में करने होते हैं, 90 मिनट्स में 100 सवाल करने होते हैं। इंटरव्यू इस साल नहीं होगा क्योंकि UP SSC में योगी गवर्नमेंट ने आपका इंटरव्यू ख़त्म कर दिया है, तो सिर्फ रिटर्न का एग्ज़ाम होगा। बहुत अच्छे चांसेस है क्योंकि इंटरव्यूज़ में काफ़ी धांधली होती है, लेकिन अगर सिर्फ रिटर्न रहता है तो संभावना रहती है कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहेगी, बनी रहेगी। एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों कि लेखपाल की नौकरी एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की नौकरी है, ठीक है। चूँकि यूपी लगभग 18 मंडलों में डिवाइडेड है, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं लखनऊ की बात करता हूँ, तो लखनऊ का मंडल हो जाएगा, सीतापुर, हरदोई, ये सब एक मंडल में आते हैं, ठीक है। तो जब आप फॉर्म भरेंगे,
तो आपसे वो पूछेगा कि आपको किस डिस्ट्रिक्ट में भरना है। तो कोशिश कीजिएगा, पहला कोशिश तो ये कीजिएगा कि आप अपनी होम डिस्ट्रिक्ट भरें, ठीक है। अगर मान लीजिए आपकी होम डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसीज कम आती हैं तो आप कोशिश कीजिए कि अपने ही मंडल की दूसरी, अपने मंडल के दूसरी डिस्ट्रिक्ट में आप भर दो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि लखनऊ में आप हैं और लखनऊ में आपको लगता है कि बहुत कम सीटें आती हैं, बहुत कंपटीशन होगा, तो आप सीतापुर भर दीजिए। मंडल एक रहेगा लेकिन डिस्ट्रिक्ट अलग हो जाएगी। ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ट्रांसफ़र नहीं होता है दोस्तों, मंडल टू मंडल ट्रांसफ़र नहीं होता। सिर्फ मंडल के अंदर बहुत आप थोड़ा जुगाड़ लगा लोगे तो ट्रांसफ़र हो जाएगा कि सीतापुर से लखनऊ आ गए या उसी मंडल के अंदर। लेकिन अगर आप ये सोचो कि एक मंडल से दूसरे मंडल में चले जाएंगे, कोई भी रास्ता नहीं है। तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो कोशिश कीजिएगा कि अपने डिस्ट्रिक्ट को या अपने मंडल के डिस्ट्रिक्ट को कीजिएगा, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, ज़िंदगी भर की नौकरी फिर आपको बाहर ही करनी पड़ेगी। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको, ठीक है। थोड़ा सिलेबस देखते हैं दोस्तों कि अगर क्या सिलेबस पूछा जाता है। तो जनरल हिंदी में जैसे अलंकार है, रस है, समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, संधियाँ, ठीक है, ये सब पूछा जाता है इसके अंदर। कुछ लुकत्तिया, मुहावरे, लिंग, वचन, कारक, ये सब पूछे जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। अगर मैथमेटिक्स की बात करते हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक्स भी आता है आपको, ठीक है, जिसमें नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, आपको पाई चार्ट जो ग्राफ होता है वो, एलजेब्रा पूछा जाएगा, एलसीएम, एचसीएफ, ये सब आपका रहेगा, ठीक है, और ज्योमेट्री पूछी जाएगी। तो लेवल जो रहेगा बेसिक लेवल रहेगा, बहुत ज़्यादा हाई फाई ट्रिक्स के चक्कर में मत फंसिएगा। अगर आप 2015 क्वेश्चन पेपर आपको देखते हो तो देखेंगे कि मैथ्स पूछा गया है बट बेसिक सवाल पूछे गए मैथ्स के। अगर आप नॉर्मल तरीके से मैथ सवाल करते हो, सॉल्व करते हो, तो बहुत हाई फाई, ये एसएससी का पेपर नहीं है दोस्तों, ये बैंक का पेपर नहीं है, ये लेखपाल का पेपर है जिसका लेवल 12वां तक होता है, ठीक है। तो सिंपल आप नॉर्मल तरीके से पढ़ाई कीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। फिर आपको अगर जनरल नॉलेज की बात करते हैं तो उसमें वही हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब आता है इसके अंदर। वो सबका लेवल बहुत बेसिक लेवल होता है, फैक्चुअल लेवल होता है, कुछ ज़्यादा उसमें कुछ बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। बात करते हैं विलेज सोसाइटी के डेवलपमेंट की, ग्राम समाज और विकास की बात करते हैं दोस्तों। तो इसमें जो भी ग्राम समाज के संबंधित बात होती है, गांव से संबंधित बातें होती हैं कि गांव से जुड़े क्या होगा, कि डेवलपमेंट कैसा आया, ठीक है, कौन कौन सोसाइटीज़ होती हैं, क्या होता है, कभी कभी तो ये पूछते थे कि सरपंच क्या है या प्रधान ग्राम सभा क्या है, इस तरह के सवाल जो गांव से जुड़े हुए सवाल आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, 25 सवाल आएंगे। तो ये काफ़ी डिसाइसिव रहता है क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, तो ढंग से पढ़ाई कीजिएगा, 25 सवाल इसके आएंगे, तो कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आप राइट कर सको उसके अंदर, ठीक है। तो ये पूरा रहेगा। बाकी जो रहे किताबों की बात करते हैं तो दोस्तों अभी तो किताबें वैसे मार्केट में नहीं आई हैं, लेकिन जब किताबें मार्केट में आएंगी तो मैं इसके लिए बुक लिस्ट पे वीडियो बना दूंगा। फिलहाल मैं इतना कहना चाहूँगा कि बेसिक पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, आप कुछ भी पढ़ो, ल्यूसेंट पढ़ाई कर रहे हो आप, ठीक है, जीएस के ल्यूसेंट पढ़ाई कीजिए, बेसिक पढ़ाई कीजिए, मजबूती से पढ़ाई कीजिए। देखिए क्वेश्चन बेसिक आएंगे पर अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ऐसा भी नहीं है। लगभग 30 लाख लोग पेपर फॉर्म भरेंगे, 30 लाख लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन का लेवल बेसिक रहता है, आप फंडामेंटल पे ज़्यादा मजबूत कीजिएगा, अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। 50 किताबें मत पढ़िएगा, कुछ किताबें लीजिएगा, उसको पढ़िएगा। मैथमेटिक्स बेसिक आता है, बहुत हाई फाई, बहुत ज़्यादा ट्रिक्स को करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल नॉर्मल तरीके से। अगर मैथ्स कमज़ोर है आपकी तो नॉर्मल तरीके से मैथ सीखिए, कॉन्सेप्ट सीखिए, आप निकाल लोगे, इतना टाइम मिलेगा कि आप सवाल निकाल सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये मत सोच के पढ़िएगा कि एसएससी है, सीजीएल के लेवल का, ऐसा कुछ नहीं आता है, नॉर्मल आता है इसके अंदर, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन कीजिए, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होते हैं वो लगाइएगा, एक आपको आइडिया मिल जाएगा। करंट अफेयर्स को ढंग से पढ़िएगा, पिछले एक साल का करंट अफेयर्स पढ़ लीजिएगा, आपका पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। दोस्तों ये तो पूरा बात मैंने बता दी है, अभी फिलहाल यही इन्फॉर्मेशन है, बाकी धीरे धीरे इसको हम कुछ नया अपडेट आएगा तो उसे करेंगे। खत्म करने से पहले दोस्तों, पहली बार आपका जो ऑनलाइन कोर्स है इसमें हम लेकर आ रहे हैं, इसमें लेखपाल के लिए, लेखपाल के जो पोस्ट है उसके लिए एक ऑनलाइन कोर्स हम लेकर आ रहे हैं, जिसमें 100 दिन का कोर्स रहेगा आपको, ठीक है। 100 दिन का कोर्स रहेगा जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से आप पढ़ाई कर सकते हो। जो लोग लेखपाल को टारगेट कर रहे हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाई कर सकते हैं। 100 दिन का पूरे कोर्स में लेखपाल की पूरी तैयारी कराई जाएगी, जिसमें आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे, पढ़ने के लिए पीडीएफ फाइल मिल जाएगी और टेस्ट मिल जाएंगे। टेस्ट क्या होगा, टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री हर टॉपिक का टेस्ट मिल जाएगा। अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा तो प्रॉफिट एंड लॉस पे एक सवाल आपको कुछ उस टॉपिक का मिल जाएगा, तो वो पूरा मिलेगा, उसको वीडियो के माध्यम समझाया जाएगा। अगर ट्रिक्स और ये मैथ, देखिए मैथमेटिक्स की मैं स्पेशल दो चीज़ें बता रहा हूँ आपको, मैथमेटिक्स और जीएस, ये दो सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पर कोई भी स्टूडेंट सबसे ज़्यादा फंसता है,
या तो उसको मैथमेटिक्स में मात खाता है या वो जी एस में मात खाता है। और दोनों ही सब्जेक्टों के लिए हमने स्पेशल एक स्ट्रेटेजी बनाई है कि मैथमेटिक्स को बेसिक तरीके समझाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि कोई स्टूडेंट ऐसा इसको बिल्कुल मैथ आती नहीं तो वो भी समझ सकेगा इसके अंदर। कोई जहाँ ट्रिक्स की जरूरत, बहुत ज़्यादा ट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी तभी ट्रिक्स समझ जाएगी, नहीं तो नॉर्मल तरीके से जो आप कंफर्टेबल होकर कर सको वो कराया जाएगा। आपको स्पेशल क्लासेस होंगी इसके अंदर, अगर जो लोग कमज़ोर रह जाएंगे उनके लिए स्पेशल ट्यूटोरियल्स रहेंगे। ट्यूटोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए इंडिविजुअल अटेंशन दिया जाएगा ऑनलाइन में, व्हाट्सएप के वीडियोज़ के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंडिविजुअल अटेंशन रहेगा, जिससे कि वो बंदा अपने डाउट्स को क्लियर कर सके टीचर के साथ यहाँ पर, ठीक है। डेली लगभग 3 वीडियो मिलेंगे, जिसमें से आपका एक मैथ्स का रहेगा, एक जो ग्राम समाज वगैरह रहता है उसका रहेगा, और एक जीएस का पेपर रहेगा। ग्राम समाज और हिंदी का रहेगा और एक आपका जीएस का पेपर रहेगा। तो लगभग 3 वीडियोस आपको रोज मिलेंगे, तो आपका 100 दिन के अंदर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, सिलेबस ढंग से याद भी हो जाएगा आपको, सब कुछ तैयार हो जाएगा। ये जो पूरा कोर्स है वो 1 फरवरी से स्टार्ट करने का प्लान है, 1 फरवरी स्टार्ट हो किया जा रहा है, ठीक है। 2015 में लेखपाल में हमारे कई जो स्टूडेंट थे जो ऑफलाइन जिन्होंने कोचिंग की थी, कई लोगों को क्वालिफाई किए हैं जिनमें, ठीक है। तो आप लोग भी क्वालिफाई कर सकते हैं, ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी है, ठीक से पढ़ाई करनी है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई कीजिए, बेसिक को मजबूत रखिए, अपने आप सिलेक्शन पा जाओगे, कोई बहुत ज़्यादा हाई तोबा मचाने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल तरीके से पढ़ाई कीजिए, सही तरीके से पढ़ाई कीजिए, मौका अच्छा है, इसको पूरा अवेल करें। अगर दोस्तों फीस की बात करते हैं तो मात्र 999 रुपये की फीस है। पूरा कोर्स जो है 999 रुपये का है, ऑनलाइन कोर्स है, 100 दिन का पूरा कोर्स रहेगा इसके अंदर। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं 8317040152 पर, कॉल भी कर सकते हैं, साथ में व्हाट्सएप नंबर में इसका भी व्हाट्सएप चलता है, तो व्हाट्सएप पे इस पर मैसेज भी कर सकते हैं इसके अंदर, तो हम यहाँ से कॉल बैक कर लेंगे, ठीक है। तो अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, बहुत अच्छा मौका है, 4 महीने का मौका है। अगर आप पढ़ते हैं तो अभी जैसे लोअर पीसीएस भी आने वाला है, आरओ भी आने वाला है, तो वहाँ पर भी आपको हेल्प मिल जाएगी इसके अंदर, ठीक है। बाकी दोस्तों कुछ वीडियोस मैं और लेकर आऊँगा लेखपाल के ऊपर जो पब्लिक डोमेन में रहेंगे, आप उसको भी देखते रहिएगा। बाकी दोस्तों अभी इस वीडियो इतना ही है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।